जिला मंडी में ऑनलाइन आयोजित किए गए बाल विज्ञान सम्मेलन के अंतिम दिन विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर के 10 सब डिवीजन के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मंडी के डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर संजीव ठाकुर ने बताया कि ऑनलाइन आयोजित किए गए बाल विज्ञान सम्मेलन का अंतिम दिन विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का रहा। इस प्रतियोगिता में जिला भर के 10 सब डिवीजन के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया। संजीव ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर मंडी। जो आज के हमारा आयोजन चल रहा है, ये पिछले 4-5 दिनों से जिला मंडी में जो बाल विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज के दिन हमारे जो विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, क्विज कंपटीशन है, वो चला हुआ है। आज क्योंकि लास्ट डे है हमारा क्विज कंपटीशन का, तो इसमें अभी जो जूनियर 6ठी से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनका क्विज चला हुआ है, और इसके पश्चात लंच के बाद आज हमारा सीनियर सेकेंडरी +1 +2 के जो बच्चे क्विज कंपटीशन में होंगे उनका ऑनलाइन क्विज कंपटीशन होगा। तो इनमें इससे पहले हमारे जो ऑनलाइन हमने स्क्रीनिंग क्विज किए थे, उनसे हमारे 10 सब डिवीज़न है मंडी जिला के, तो 10 सब डिवीज़न से 4, 5, 5 या 6 स्कूलों की जो टीम्स हैं जिनमें एक टीम में 2 बच्चे होते हैं, तो वो क्वालिफाई हुई हैं और उनकी फाइनल राउंड अप सब डिवीज़न वाइज चल रहे हैं। तो जैसे इनमें से जो फर्स्ट पोजीशन पे टीम रहेंगी हर सब डिवीज़न में, ये आने वाले दिनों में हमारे नेक्स्ट वीक जो हमारा जिला स्तरीय बाल विज्ञान स्पेनल होगा, डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन साइंस कॉम्पिटिस ऑनलाइन ही होगी होगी, तो उसमें अपने सब डिवीज़न को जो फर्स्ट पोजीशन पे टीम्स रहेंगी वो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो सारी प्रतियोगिताएं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑनलाइन ही होंगी। दूसरी जो हमारी पिछले 3-4 दिनों में प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, उनमें मैथ ओलंपियाड ऑनलाइन हो चुका है, उसमें साइंस एक्टिविटीज़ है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। ये सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज, छोटे बच्चों के लिए 6ठी से 8वीं अलग कैटेगरी, 9वीं 10वीं अलग, और 1 प्लस 2 के लिए अलग हो चुकी है। तो ये इन्हीं सभी प्रतियोगिताओं में जो खंड स्तर पे बेस्ट रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, वो हमारी आने वाले दिनों में जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में ऑनलाइन तरीके से हिस्सा लेंगे।